कोरोना वायरस से निपटने की जमीनी हकीकत की तैयारी जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने असंतोष मेडिकल कॉलेज पहुंचकर आइसोलेशन फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम ने अफसरों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। कहा कि सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जाए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ व गाजियाबाद जिले का भी दौरा करने वाले थे, लेकिन यह दौरा रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ वापस लौटेंगे। यहां सोमवार को दिल्ली में सामने आए तबलीगी जमात के मामले को लेकर आज अफसरों के साथ बैठक होगी। सीएम ने दोपहर 12:30 बजे अपने आवास पर कोविड-19 से जुड़ी 11 समितियों की बैठक बुलाई। यूपी के शेल्टर होम में रखे गए लोगों को क्वारंटाइन करने के मामले की भी समीक्षा होगी। बैठक में मुख्य सचिव के साथ प्रमुख सचिव, गृह, डीजीपी, समितियों के अध्यक्ष व नोडल अधिकारियों को भी बुलाया गया। सीएम के गाजियाबाद पहुंचने से पहले संतोष मेडिकल कॉलेज में कार्यरत संविदा नर्स इकट्ठा हुई। सभी ने मानदेय, काम व अन्य समस्याओं को लेकर सीएम से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन विरोध की आशंका पर उन्हें प्रशासन द्वारा नजरबंद कर दिया गया। कर्मियों ने कहा कि उन्हें 12,000 सैलरी देकर हर दिन 12 घंटे काम कराया जाता है। कोरोना संक्रमण के चलते स्थायी कर्मी छुट्टी पर हैं। सारा काम संविदा कर्मियों से लिया जा रहा है। प्रशासन ने कर्मियों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया।